The godman who has been named as the mastermind of Deepak Bhardwaj murder plot has denied having, well, any hand in this mysterious murder that has sent the cops in a tailspin. Remember, well, people arrested also, but Mr. Guruswamy claiming that he didn't order this murder. One of the assailants says that he was paid 2 crore rupees to carry out this murder. Guruswamy, in fact, not joining us. सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने ये पूरा प्लॉट मास्टरमाइंड किया था, आपका ही दिमाग था इस पूरे कत्ल के पीछे, आपको आपने 2 करोड़ रुपए दिए, ये बोला जा रहा है। नहीं, आप ये कह रहे, कोई और नहीं कह रहा है, न मेरा नाम आ रहा है। मैं गुरु स्वामी हूं नहीं, मैं स्वामी आनंद महाराज हूं और मैं विश्व वेदांत संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य हूं। वो तो कुछ कहीं कोई टीवी कोई चैनल किसी ने नहीं कहा है, और वो जो चैनल पा रहा है वो ये आ रहा है, उनके गांव का कोई स्वामी है जहां जहां हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं तो हरियाणा का रहने वाला ही नहीं हूं, ये तो आप कह रहे अपनी मर्जी से, वो तो कोई कह ही नहीं रहे। नहीं सर, पर ये जो तहकीकात की जा रही है, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया पुलिस ने, उनका कहना है कि हमको 2 करोड़ रुपए दिए गए, उनका ये कहना है कि हमको 2 करोड़ गुरु स्वामी जी ने दिए। देखिए ऐसा है, ये मेरा विषय नहीं है। दीपक भारद्वाज मेरे 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 अच्छे संबंध थे, इसका मतलब पूरे भारतवर्ष में करोड़ों साधु संत रहते हैं, वो किसको कह रहे हैं, किससे हमारा क्या संबंध है। दीपक भारद्वाज जी से मेरे संबंध थे, दीपक भारद्वाज जी बहुत दानी स्वभाव व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे, उसका मतलब थोड़ा होता कि वो तो जो जो स्टेटमेंट आ रहा टीवी में वही आ रहा, उसके गांव का कोई स्वामी है, ये तो अपनी मर्जी से आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके गांव का कोई स्वामी है। एसोसिएट एडिटर आतिर खान आल्सो नॉट जॉइनिंग अस, हैज बीन ट्रैकिंग डेवलपमेंट्स इन दिस केस। आतिर, जस्ट टेक दिस फॉरवर्ड एज वेल, वेरियस एंगल्स कमिंग फोर्थ इन दिस इन्वेस्टिगेशन। यस यस आदित्य, आई लाइक टू आस्क स्वामी जी सर्टन क्वेश्चन। स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे, ये आरोप निकल कर आ रहा है कि आप जो है खेड़ा कला गांव के रहने वाले हैं और वहीं का पुरुषोत्तम जो है, जो कि व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है जिसने गोलियां चलाई थी, वो भी वहीं का रहने वाला है, और पुलिस का ये कहना है कि आपके उसके साथ घनिष्ठ संबंध है, आप क्या कहेंगे इस बारे में। नहीं बिल्कुल आपका प्रश्न ही गलत है, वो जो कह रहा पुरुषोत्तम अपने गांव का रहा है, मैं तो हरियाणा का रहने वाला नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं वहां का रहने ही वाला नहीं हूँ। और मैं और वो गुरु स्वामी कह रहा, मैं गुरु स्वामी नहीं, मैं स्वामी आनंद महाराज हूँ, वो तो पूरी तरह से आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। वो तो अपने गांव के किसी व्यक्ति के नाम ले रहा, मेरा नाम थोड़ा ले रहा है। नहीं गुरु स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि आप उनके आपके उनके परिवार से बहुत करीबी ताल्लुक है, पूरे आपके हिसाब से कुछ दिक्कत थी क्या कि उनके परिवार में कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्षमा कीजिएगा। जी कहें, मैं इनके परिवार करीबी नहीं, मैं दीपक भारद्वाज मेरे करीबी। दीपक भारद्वाज जी ने आपसे कभी कुछ कहा था कि उनके परिवार में कोई उनके रिश्तों में कुछ खलल है। उनकी पत्नी थे, दीपक भारद्वाज का जिस दिन मैं 6 तारीख उनको निमंत्रण पत्र देने गया था, दीपक भारद्वाज हमको पहुंचाने तक गेट आए और हमारे यज्ञ में आए, उनसे मैंने पूछा था उस वक्त, दीपक भारद्वाज जी कहा था इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों लगी हुई है, बोले गुरु जी कुछ मेरे समाज में दुश्मन भी हैं, इसलिए हमने सिक्योरिटी लगा के रखा है, मेरे बॉडी गार्ड मैंने इसलिए लगा के रखा है, मेरे कुछ दुश्मन भी हैं समाज में, ये बात हमको उन्होंने दीपक भारद्वाज जी ने 6 तारीख को बताई थी। नहीं आनंद महाराज जी, उन्होंने कुछ कभी कुछ अपने परिवार के बारे में बोला कि उनको डर है कि उनके परिवार से कोई उन पर कुछ हमला करना चाहता है, उनके कुछ रिश्ते बिगड़े हैं, कुछ तो उन्होंने कहा हो आपसे। और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप उस वक्त कहां थे, क्योंकि आप पे अगर शक की कोई बात डाली जा रही है। नहीं आप मेरे ऊपर शकी नहीं, आप ही कह रहे हैं शक, मतलब मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, वो जो पुरुषोत्तम है ये कह रहा है हरियाणा उसके गांव का कोई स्वामी है, मैं हरियाणा का रहने वाला नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं काशी का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई शक की बात है, ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरा उनका मेरा कोई हरियाणा से कोई संबंध नहीं है, हरियाणा हमारा आना जाना नहीं है, हरियाणा से हमारा कोई किसी तरह लेना देना नहीं है।
तो मेरा कोई मतलब नहीं है, तो अपनी बात आप आनंद महाराज जी आपसे ऐसा कह करके नहीं आपसे क्या किसी पुलिस वाले ने कुछ बात करने की कोशिश की है आपसे, कुछ कुछ तफ्तीश कुछ आपसे कुछ बात की है किसी पुलिस वाले ने? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और क्या बता सकते हैं आप हमको दीपक भारद्वाज जी के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हत्या की गई इससे तो आप भी बिल्कुल अचंभा में आ गए होंगे। उनके परिवार से भी ये कहा जा रहा है कि उनके रिश्ते सही नहीं थे, अब पुलिस वाले उनके परिवार वालों से भी परिजनों से भी सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आश्चर्य हूं, मैं बिल्कुल आश्चर्य हूं, इसलिए कि दीपक भारद्वाज विश्व हिंदू परिषद के भी से जुड़े हुए थे, वहां भी लोगों सबको बड़ी पीड़ा, हमको भी मेरे विश्व वेदांत के सारे पदाधिकारियों को पीड़ा है, क्योंकि वह व्यक्ति दानी स्वभाव था। हमारा कोई अनुष्ठान होता था, कोई यज्ञ होता था, तो निश्चित रूप से दान दक्षिणा करता था, और हम लोगों तो समाज में लोगों को कैसे ईश्वर भाव की तरफ मोड़ा जाए, परमात्मा की तरफ कैसे मोड़ा जाए, ये काम हम लोग करते हैं। गृहस्थ कैसे गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा की पूजा पाठ कैसे लग सकता है। आनंद महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने साफ साफ कह दिया कि आपका इस पूरे हत्याकांड से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी सिर्फ जो जान पहचान थी वो दीपक भारद्वाज जी से थी।